नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल आपने देख ही चुका है, चलिए हम विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेड बैंक से रिलेटेड जो वैकेंसी आई हुई है, जिसमें 10वीं पास, 12वीं या फिर आप कह लीजिए ITI वगैरह मांगा गया है। और इसमें एक चेंज किया गया है फ्रेंड्स, NSQF सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं किस किस पोस्ट के लिए NSQF सर्टिफिकेट लगेगा और कौन से ऐसे पोस्ट हैं जिनमें इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, कुछ मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं इनके बारे में तो ओवरव्यू थोड़ा सा दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए BSF कांस्टेबल ट्रेडमैन की ये वैकेंसीज हैं। टोटल 1284 पोस्ट हैं इसमें, जिसमें दिया गया है फ्रेंड्स कांस्टेबल ट्रेडमैन। ट्रेडमैन में बताया गया है कि हाई स्कूल पास होना चाहिए, ITI NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए संबंधित ट्रेड में। लेकिन फ्रेंड्स, ये ओनली फॉर ITI पोस्ट, ये ITI पोस्ट के लिए ही सिर्फ है। तो आगे हम चलकर देखेंगे किन पोस्ट के लिए ITI की ज़रूरत है या फिर नहीं है। इसके आगे फ्रेंड्स, फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, मेल 165, चेस्ट दिया गया है, रनिंग वगैरह बताया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स मेल के लिए 1284 पोस्ट हैं, फीमेल्स के लिए 64 हैं। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, ये वैकेंसी वाइज डिटेल्स यहाँ पे है, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट फ्रेंड्स कांस्टेबल कुक का है, जो 456 पोस्ट हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सारे पोस्ट दिए गए हैं। कॉबलर के 22 हैं, वाटर कैरियर के 280 हैं, कांस्टेबल स्वीपर के 263 हैं। तो इसी तरह के पोस्ट ये दिए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं, नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया है उसको समझते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको आ जाना है BSF की वेबसाइट पे। ये रिक्रूटमेंट BSF.gov.in इसकी वेबसाइट है। यहाँ पे आएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा नोटिफिकेशन है। तो हमें ट्रेडमैन का, ये देखिए फ्रेंड्स, कांस्टेबल ट्रेडमैन एग्ज़ाम 2023 यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए व्यू डिटेल्स दिया हुआ, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। तो फ्रेंड्स, चूँकि PDF मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं उसे डाउनलोड नहीं करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वो PDF है फ्रेंड्स, जिसमें इसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, स्टेट वाइज इसकी पोस्ट दी गई हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बताया गया है अप्लाई करने से पहले आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ट्रेड एक्सपीरियंस, एज, ये सारी चीज़ें आपको रेडी करके रख लेनी है। आगे बताया गया फ्रेंड्स, जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम आपके होने हैं, उसके बाद फिजिकल होगा फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा और सबसे लास्ट में मेडिकल होगा। तो ये उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है कि ये सबसे पहले रिटर्न ले रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे की तरफ हम चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है कि इनका जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, वो या तो ये CBT बेस्ड करवाएंगे या फिर OMR बेस्ड करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये मान के चलिए कि OMR बेस्ड ही इनका एग्ज़ाम होना है, क्योंकि CBT बेस्ड बहुत कम चांसेस होते हैं कि BSF जो है CBT बेस्ड एग्ज़ाम करवाए। आगे फ्रेंड्स, ये फीस, एग्जामिनेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया फ्रेंड्स, 100 रुपीज़ का पेमेंट करना है, प्लस 47 जो है सर्विस चार्ज है CSC की तरफ से। और ये कुछ उसकी डिटेल्स हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं फ्रेंड्स, जी हाँ, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एज के बारे में बताया गया है, 18 to 25 होना चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन है फ्रेंड्स, जैसा कि मिलता है वो सबको उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। SC की अगर हम बात कर लें तो 5 साल ऊपर या नीचे होता है, अप टू 5 ईयर्स इन अपर एज लिमिट, जी हाँ फ्रेंड्स, अपर एज लिमिट में है। और OBC में जो है 3 ईयर्स है, उसी तरह का नीचे भी कुछ एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, जो भी ट्रेड, जो वैकेंसीज आई हैं उसके लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है, फॉर ट्रेड्स ऑफ कॉन्स्टेबल, कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बावर और स्वीपर, ये जो पोस्ट हैं फ्रेंड्स, ये जो 5 पोस्ट हैं, इनके लिए जो है मैट्रिकुलेशन होना चाहिए आपके पास, मतलब हाई स्कूल आप पास होना चाहिए। और जो भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसमें प्रोफिशिएंट होना चाहिए, मतलब उसमें आप एक तरह समझिए एक्सपर्ट होने चाहिए आप। और फिर तीसरा इसमें क्वालिफिकेशन दिया है, मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट, जो भी ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के बाद, उसको क्वालिफाई करना चाहिए। मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, ये जो ऊपर के 5 पोस्ट हैं, इनके लिए कोई NSQF सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है।
तो आप इन पोस्ट के लिए अगर आप हाई स्कूल हो और आपके पास थोड़ी बहुत जानकारी है उस ट्रेड के बारे में, तो आप इनमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगला फ्रेंड्स जो सेकंड क्वालिफिकेशन दिया गया है, इसमें कांस्टेबल कुक है, वाटर कैरियर है और वेटर है। फ्रेंड्स ये जो पोस्ट हैं इनमें आप देखिए मैट्रिकुलेशन तो आपके पास होना ही होना चाहिए, उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपके पास NSQF सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ दिया हुआ फ्रेंड नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। आगे दिया गया है फ्रेंड्स लेवल 1 का कोर्स होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, फूड प्रोडक्शन में होना चाहिए या फिर किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या फिर किचन का होना चाहिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो NSDC के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। तो फ्रेंड्स आप मान लीजिए हमारे वहाँ कुछ दिन पहले अभी भी चल रहा है कौशल विकास मिशन का, नाम आप लोग सुने होंगे। तो NSQF सर्टिफिकेट जो होता है फ्रेंड्स ये मोस्टली वहीं से प्रोवाइड कराया जाता है। बाकी इसके बारे में और अधिक जानकारी जैसे ही मुझे मिलती है तो एक नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे। तो फ्रेंड्स क्लियर है, अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले आप ये क्लियर कर लें कि NSQF सर्टिफिकेट अवेलेबल है या नहीं आपके पास, अगर है तभी आप अप्लाई करें। बाकी ऊपर के जो पोस्ट है फ्रेंड्स इसके लिए आप विदाउट NSQF सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे की तरफ जाएंगे फ्रेंड्स तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, इसमें हाइट चेस्ट वगैरह सब बताया गया है, तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर देख लें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स ये जो इसके कुछ डिटेल्स हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम हैं, जो पैटर्न होने वाले हैं, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन हैं, मैथमेटिक्स के 25 हैं, एनालिटिकल एप्टीट्यूड 25 हैं, बेसिक नॉलेज हिंदी या इंग्लिश दोनों में से 25 क्वेश्चन इससे हैं। टोटल आपके जो है 100 मार्क्स के पेपर होने वाले हैं, 2 घंटे के आपको टाइम मिलने वाला है और 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।